अभी सुबह सुबह नहाएंगे क्या? खाना खा ले खाना। भाई कमेंट आ रहा था, कमेंट आ रहा था, क्या कमेंट आ रहा था? कमेंट आ रहा था मनीष। हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, सबको जय श्री राम और पहले से गुड मॉर्निंग। जस्ट सुबह के 8:30 और ये मेरा दोस्त पीयू, ये देख लो भाई लड़कियों में दिमाग तोड़ता नहीं है। देखो आज कहाँ साइकिल चला रही है, देखो देखो कहाँ साइकिल चला रही है। लोग बाग बड़े बड़े ग्राउंड में साइकिल चलाते हैं, हमारे देश के नवयुवक बच्चे देखो कहाँ चला रहे हैं, छत पर चला रहे हैं। और वो देखो प्लेट में क्या खा रही है, क्या खा रही है, क्या खा रही है, क्या क्या खा रही? देख रहे हो भाई कि पता नहीं सुबह सुबह उठे है नहीं, सुबह सुबह उठे नहीं, मुँह हाथ धोए नहीं और लग गए खाने। परसों मैं शादी में जाऊंगा, आज मैं अभी सुबह सुबह नहाएंगे क्या? आज तो मैं शादी में जाऊंगा, तू भी चलेगी? मुझे नहीं जाना, तू बर्तन धोने जा रहा है। हाँ। और भैया देखो भाई सुबह सुबह का नाश्ता आ गया, वैसे मैंने मूड हो गया है बस बुरुस बुरुस नहीं क्या, ऐसे नाश्ता कर लेता हूँ। देखो मैं थोड़ा बंदी टाइम ऐसे आदमी हूँ थोड़ा, नाश्ते में तो क्या माल है, आज हमारे घर में बनेगा भैया कढ़ी चावल। कढ़ी चावल किसको किसको पसंद है? उल्टे उल्टे कौन कर रहा, कढ़ी चावल सबको पसंद है, मेरे को भी पसंद है। ये लड्डू खाना खा ले खाना। तो इसने ना मुंह भी नहीं किया, ब्रश भी नहीं किया, आपके ब्लॉगर भाई ने। हम तो ऐसे ही हैं दोस्तों, बिना ब्रश करे खा लेना चाहिए, खा ले सारा विटामिन तो बिना ब्रश भी होता है। नाश्ता पानी करके आपका भाई आ गया, नाश्ता पानी कर लिया मैंने, अब बाल कटाने चले, बाल कटाने जा रहा मैं, बाल कटाने चलते हैं और फिर आगे नहाएंगे धोएंगे। बाल नाश्ता तो हमने कर ही लिया, अब बाल कटाने चलते हैं, बाल कटा के नहाएंगे धोएंगे, चरण छू लेते हैं। मेरे डैडी बहुत स्ट्रिक्ट है भाई, इतना फैलते थे ना, एक दिन मेरे को इतना छेता आज भी याद है, हीरो थे मेरे डैडी पहन कर ऐसे, इतने लंबे थे भाई 6 फुट के, बॉडी इतनी मोटी मोटी डोले सोले पहन कर, जो चलते थे ना यार वहाँ दिखाऊंगा मैं तुम्हें जब मैं दूसरे वाले घर पे जाऊंगा। मैं पता क्या सोच रहा, दूसरे वाला घर बेच दे मेरी माँ और सारे पैसे मेरे नाम कर दे और फिर मम्मी यार एक कार दिला दो यार तुम मेरे को, देखो मेरी माँ टच स्क्रीन चलाती है, देख लो मैं यूं कह रही थी, देखो मेरा बैग पैक कर दिया, आया हूँ नहीं मैं, पहली बैग पैक कर रखा है, बिजली वाला फोन कर दूंगी पंखे के लिए। पहले बताओ ये कहाँ से लगाया तुमने, इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने उधार कर रखा है, मैं भी अब मेरा भाई देगा मुझे 4-5 हज़ार रुपये। भाई हाँ, और मम्मा 3 हज़ार भाई हमारे पैसे भी लूट गए, मम्मा के पैसे लूट गए, देख लो भाई। देखो ये मेरा 4 पाई है, मैं देखो मेरा इतनी इज्जत है घर पे, देखो इसमें सोता हूँ मैं, तुम्हारे भाई की शादी भी नहीं करवा रहे घर वाले, रंडवा पड़ा मैं आज लो। चलो यार बाल कटवा करते हैं पहले, उसके बाद देखे क्या भाई, चेक करो भाई कैसा लग रहा तुम्हारा भाई, बाल वाल कटवा गया, बाल भी मैंने कटवा लिया, नहा धो भी लिया और अब चलते हैं रोटी खाने, टाइम पता कितना हो गया, 3 बज गए यार, बताओ इतनी जल्दी 3 बज गए यार, पता ही नहीं चलता, देखो कैसा लग रहा है, मैं भी देख लो एक बार अपने आप को, यार रोबिन सलमान खान ऋतिक रोशन जैसा लग रहा, डोले सोले भी ठीक ही हैं, चलो चलते हैं। क्या क्या बना रखा आज? आज बना रखा भाई कढ़ी चावल, हाँ कल क्या खाएंगे बता देना मुझे कमेंट करके, वही बनवाऊंगा। मुझे चेक करो भाई ये अपना कढ़ी चावल आज के, बेहतरीन कढ़ी चावल, कढ़ी चावल का स्वाद तो चेक करने की जरूरत नहीं है,
एक नंबर का बनाती है। मेरी माँ एक ही काम बढ़िया करती है, वो खाना बनाने का बस, बाकी कोई काम हाँ। बाकी कोई काम बढ़िया नहीं करती, लड़ती रहती है सारा दिन। कैसी लग रही भाई गाड़ी? एक नंबर का हो रहा है कड़ी चावल, जब खाते ना पागल हो जाते हैं। बताओ कल क्या बनवाऊँ, बताओ बता देना कमेंट करके, कल मैं वही बनवा दूंगा। और जैसे कि भाई रोटी पानी खा लिया हमने, कड़ी चावल खाए थे भाई, आज घर में कड़ी चावल बने थे। और भाई एक कमेंट आ रहा था रोहन भाई का, भाई आप छह चक्का ले लो, छह चक्का ले लो और गाड़ी चलाओ फल और फ्रूट में। भाई यार पैसे होते तो मैं ले लेता यार, मेरे बिना यार जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है। मतलब यार जितना भी कमाता हूँ, जिम्मेदारियां नहीं बोलूँगा, जितना भी कमाता हूँ ना सारा खर्च हो जाता है। कभी घर की सब्जियां, कभी घर का खाना, कभी घर का अनाज, कभी कभी दवाइयां, कभी ये तुम्हारा बिजली का बिल, पानी का बिल। हर महीने तो बिजली का बिल आता है भाई, 600 रुपये बिल आता है हर महीने, तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और भाई कल कल जाएंगे हम हरिद्वार वो ऋषिकेश वाले घर पर, देखते हैं क्या सीन रहने वाला है। और भाई हो गई शाम, सबको प्यार से गुड इवनिंग एंड जय श्री राम। और आपको भाई जा रहा है अपने बाहर घूमने, मैंने जूते रख दिए क्योंकि जूते हमारे घर में अंदर नहीं ला सकते, अगर अंदर लाओगे तो भैया तबाही मचा देगी मेरी माँ। तबाही समझते हो? नहीं समझते तुम, बताऊंगा बाद में। चलो पहले बाहर चलते हैं, जूते उत्ते पहन दो। ये मेरा गांव है, गांव नहीं शहर है। और भाई देख चेक करो भाई, मैं कहाँ आ गया भाई, मैं आ गया प्ले ग्राउंड में। ये घर मेरे घर के जस्ट पीछे ही है, स्कूल का स्कूल है ये, देख रहे हो स्कूल? ये मेरा स्कूल नहीं है, मेरा स्कूल पता कौन सा है, वो जो ये देख रहे हो ना आप सामने, ये देखो ये सामने देख रहे हो, ये है सेंट मेरिज स्कूल। ये आपके भाई का स्कूल जिसमें मैं पढ़ा हूँ, जिसमें पढ़ता था आपका भाई। और मेरे क्लासमेट भी बैठे हैं वहाँ, बट ज़्यादा बात नहीं होती अब, थोड़े मतलब हो जाता है, मतलब थोड़े आप समझते ही होंगे भैया, हमें फ़र्क नहीं आया, मतलब हमें फ़र्क नहीं आया, हम नहीं बदले भाई, दुनिया बदल जाती है बट हम नहीं बदले। तो भाई कल को आपका भाई जाएगा कहाँ? कल को हम जाएंगे भैया नेपाली फार्म, अपने हरिद्वार वाले घर पर, हरिद्वार वाले नहीं है ऋषिकेश वाले घर पर जाएंगे, और वो मैं दिखाऊँगा आपको उसका कंडीशन क्या है। तो भाई ये सिस्टम है। और भाई बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे भाई, कमेंट आ रहा था, कमेंट आ रहा था, क्या कमेंट आ रहा था? कमेंट आ रहा था मनीष मनीष मलिक भाई का, बोल रहे थे कि भाई आप चले जाया करो पार्टी शार्टी में, कभी भाभी मिल जाए। अरे यार भाभी से मिलना है क्या तुम्हें? लड़कियों में यार, लड़कियों का यार मसला ही अलग है, मतलब ठीक है मौत और लड़की एक जैसी है, लड़की लाइफ में आ गई तो मतलब समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरा मानना यही है, समझ रहे हो? लड़की और मौत एक जैसी है भैया। और ये देखो भाई मैं पास आ गया जस्ट स्कूल के, पता है इसमें दो टाइप के स्कूल है, एक हिंदी मीडियम और एक इंग्लिश मीडियम। देखो क्रिश्चियन स्कूल है, दिख रहा होगा आपको, लोगो भी दिख जाएगा, दिख गया। सच्ची में यहाँ भूत भी आते हैं भाई, बताते हैं मुझे, बाकी हमने तो देखा नहीं आज, लो भूत भूत सीन है भाई यहाँ का भी। और भाई मैं एक चीज़ भूल गया, अब पूछो क्या भूल गया? अरे आपका भाई ने बोला था कि खर्चे का ब्लॉग बनाऊंगा आज, और मैं सोच ही रहा था मैं क्या मिस कर रहा हूँ यार, खर्चे का ब्लॉग मिस कर गया यार, मैंने खर्चा बनाया भी नहीं, रात को बैठ के बनाऊंगा, कल को खर्चे का ब्लॉग आ जाएगा अपना, ठीक है? तो इसी ना, अभी मेरे घर में इलेक्ट्रीशियन आ रखा, वो थोड़ा पंखा ठीक करवा रहे, तो ठीक है भाई आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे। और कल को जिसको भाई को अपना दूसरे वाला घर देखना है बता देना, कमेंट कर देना, ठीक है? अपना दूसरा घर दिखाऊंगा, उसके क्या हिसाब किताब हो रहा है यार, मैं भी काफ़ी समय तक चेक नहीं करके आया, पहले वो किराएदारों को दे रखा था, किराएदारों ने भी लफड़ा कर दिया यार उस घर पे, देख के आएंगे किराएदारों ने क्या लफड़ा किया। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे प्लेग्राउंड में, और मिलेंगे कल को नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सबको जय श्री राम एंड प्यारी सी गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, रोज लो मौज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और ट्रक पर भी जल्दी जाने वाला आपको भाई।